बॉलीवुड फिल्म शादी में जरूर आना तो आप सभी ने जरूर देखी होगी, जिसमें आरती का किरदार निभा रही एक्टर कीर्ति खरबंदा ने सरकारी नौकरी के लिए अपनी शादी को ऐन मौके पर ही तोड़ दिया। आरती ने होने वाले पति की जगह अपने करियर और अपने सपने को तरजीह देते हुए शादी तोड़ दी थी। अब रियल लाइफ में भी ऐसे कई हैरान कर देने वाले मामले इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसकी शुरुआत यूपी के बरेली से हुई, जहां एसडीएम ज्योति मौर्य के पति ने आरोप लगाया कि पत्नी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाया, मगर अब उसकी पत्नी ने ही बेवफाई करते हुए एक अफसर के साथ अवैध संबंध बनाए। पति आलोक मौर्य ने दावा किया कि अब उसकी पत्नी शादी तोड़ने की बात कर जान से मारने की साजिश रच रही है। पीड़ित पति के रोने बिलखने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर तमाम मीम्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई। यूजर्स मीम्स के जरिए पत्नियों को ना पढ़ाने और बेवफाई से जुड़े पोस्ट शेयर करने लगे। इस बीच खबर आई कि ज्योति मौर्य के धोखे से कई पतियों ने अपने पत्नियों को ही पढ़ाना बंद कर दिया। हालांकि इस मामले की लपटें यही नहीं रुकी। ज्योति मौर्य का मामला वायरल होने के बाद अब ऐसे ही कई मामले सामने आ रहे हैं। ज्योति मौर्य केस की तरह ही यूपी के प्रयागराज में भी पति ने आरोप लगाया कि नौकरी मिलने के बाद पत्नी उसे छोड़कर चली गई। पति ने दावा किया कि वो घर का सारा काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक और कपड़े भी धोते थे। उसको पढ़ाने के लिए जमीन बेच डाली और अब उसकी नौकरी लग गई तो छोड़कर चली गई। वहीं कानपुर देहात से भी एक मामला चर्चा में रहा, जहां पति ने पत्नी पर आरोप लगाया कि नर्सिंग में नौकरी करने के 2-3 महीने बाद ही पत्नी सविता के सुर बदल गए। वे परिवार से अलग किराए के मकान में रहने लगी। हाल में उनकी एक कथित वायरल ऑडियो ने सनसनी भी मचा दी। इसमें पत्नी सविता ने अपने पति को धमकाते हुए साफ कहा कि तू कुछ भी कर ले, भगवान भी नीचे उतर कर आ जाए, लेकिन तेरे साथ नहीं रहेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश के देवास में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हालांकि इस बार बेवफाई के आरोप पत्नी पर नहीं पति पर लगे। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनते ही पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद अब पीड़ित महिला न्यायालय के चक्कर काट रही है। ऐसे में रोचक विवाद देश भर में छाया हुआ है, जहां पत्नियों को पढ़ाने पर काफी बवाल मचा हुआ है, जहां कई मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, तो दावा है कि अभी भी कई मामले दबे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या बड़ा पद मिलने पर घर टूट की कगार पर आ रहे हैं? क्या शादी जैसे पवित्र बंधन कमजोर नींव के चलते टिक नहीं पा रहे हैं? बहरहाल आने वाले दिनों में अभी ये मामला और तूल पकड़ सकता है।